हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कमेंट्स और रिटर्न स्टेटमेंट और जैसे मेन स्टेटमेंट जो मैंने व्हाइट बोर्ड पे समझाया था जावा के लिए, जावा में यूज कैसे करते हैं। इसमें कई सारी चीजें होंगी जो आपको नहीं समझ में आएंगी, जैसे मैं इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर लिखूंगा, मे बी वो आपको ना समझ में आए। बट इस वीडियो का मेन मोटो है, ये है कि आपको समझना है कि देखो कमेंट को यूज कैसे करते हैं। जब तक आप इसको कोडिंग बैकग्राउंड में नहीं समझोगे ना, तब तक यू वॉन्ट गेट दैट फील। ओके, सो चलो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो सबसे पहले देखो, जावा में कोई भी कोड करने के लिए आपको एक क्लास बनानी पड़ती है। मेरा आईडी इसमें ब्लू जे है, आईडी। ओके, सो क्लास का नेम मैं रख दे रहा हूँ इंट्रो। एंड वन मोर थिंग यू नीड टू डू इज, जो भी आपका इंट्रो रहेगा ना, इसको आपको प्रोग्राम नेम को वही रखना पड़ेगा। अब देखो, सबसे मैंने मतलब जो प्रोग्राम सेव होगा इंट्रो के नाम से ही सेव करना होगा आपको, है ना। एंड क्लास नेम एक मैं लिखूंगा, वो भी इंट्रो नाम का ही रहेगा। दैट वॉन्ट बी कोइंसिडेंटली कि आई विल बी राइटिंग एज इंट्रो, बट नो, इट इज मतलब मैंडेटरी। हाँ चलो देखो, सबसे पहले जावा में अगर आपको कोई भी प्रोग्राम रन करना है ना, तो आपको ये वाला पैकेज इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर आपने मेरा वीडियो देखा तो फिर मैंने उसमें समझाए थे कुछ हेडर फाइल्स का कंसेप्ट कि भाई देखो, इनपुट लेने के लिए सी एंड सी प्लस प्लस में हेडर फाइल इंपोर्ट करनी पड़ती है, सॉरी हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है। तो हम लोग क्या कंसेप्ट यूज करते हैं, हैश इंक्लूड, सॉरी कैश स्टेटमेंट यूज करते हैं, हैश इंक्लूड एसटीडी आईओ डॉट एच सी मेन, और सी प्लस प्लस में हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। जावा में हेडर फाइल का कंसेप्ट नहीं होता, बट कुछ पैकेज वगैरह का कंसेप्ट होता है। ओके, देखो काम वही है कि अगर आपको इनपुट लेना है मतलब कि प्रोग्राम से आप जैसे यूजर से नंबर मांगना चाहते हो कि सुन तू मेरे को दो नंबर दे, मैं तेरे को ऐड करके दूंगा। अगर नहीं समझ में आया तो ऐसा सोचो कि आपको यूजर एक दो नंबर देगा तो कैसे देगा, ऐसे हाथ से तो लेके दे नहीं देगा, है ना। उसको मतलब कोई तरीका होना चाहिए कि वो हमारा नंबर एक्सेप्ट कर ले। हम यहाँ से थ्री एंट्री करें, थ्री या फोर डालें तो वो एक्सेप्ट कर ले। तो आउटपुट एक्सेप्ट करने के लिए, सॉरी इनपुट एक्सेप्ट करने के लिए एंड आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए हमको एक स्टेटमेंट लिखनी होती है। मैं इस स्टेटमेंट का कंप्लीट मतलब अभी नहीं समझाऊंगा, क्योंकि मेरा मोटो ये है इस वीडियो में कि आपको दिखाना कि भाई देखो कमेंट का काम क्या होता है एंड रिटर्न स्टेटमेंट का काम क्या होता है। ओके, इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में मोस्ट प्रोबेबली मैं ऊप्स का कंसेप्ट डिस्कस करूंगा, तो उसमें समझ में आएगा। हाँ, तो लेट्स स्टार्ट। कोई भी यूज करना है आपको जावा में, तो सबसे पहले तो ये लाइन लिखते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ओके, स्कैनर का एस कैपिटल होगा। अब ये जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर और ये इंपोर्ट क्या है, इंपोर्ट का नॉर्मली मतलब क्या होता है, कुछ मंगवाना। एग्जैक्टली, कुछ मंगवा रहे हैं। जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर क्या है, मैं ट्राई कर रहा हूँ समझाने का, अगर नहीं भी समझा इट इज वेरी ओके। बस समझ लो कि कुछ मैंडेटरी है, कुछ लिखना पड़ेगा, जरूरी है, समझ में आया। तो जावा डॉट यूटिल जो होता है ना, एक क्लास होता है, समझ में आया। हाँ, अब एक क्लास क्या होता है, सॉरी जावा डॉट यूटिल एक पैकेज होता है। एक पैकेज क्या होता है, ऐसा समझो कि एक लाइब्रेरी है, उसके अंदर से मुझे कोई बुक मंगवानी है, बुक उठानी है, समझ में आया। तो जावा डॉट यूटिल एक पैकेज हुआ, लाइब्रेरी। हाँ, उसके अंदर एक बुक है स्कैनर नाम की, जो मुझे लेकर आना है, जिसके कारण मैं आंसर देखूंगा, जिसमें से मैं आंसर देखे क्वेश्चन, जिसमें से मैं देखूंगा कि कंटेंट क्या है, उसके बाद आंसर करूंगा अपने रिक्वायर्ड क्वेश्चंस का। ओके, ऐसा समझ सकते हो, या फिर समझ लो कि जावा डॉट यूटिल एक फोल्डर है, उसके अंदर एक क्लास होता है जावा स्कैनर। अब ये क्लास क्या होता है, आपको नहीं समझ में आएगा, इट इज वेरी ओके। ठीक है, ऐसा समझो कि स्कैनर नाम का कुछ होता है जिसके कारण लोग इनपुट वगैरह ले सकते हैं, समझ में आया। इनपुट वगैरह लेने के लिए काम आता है। तो सबसे पहले देखो, अब ये मैं अभी लिखने जा रहा हूँ पब्लिक क्लास। देखो मैं यही बता रहा था कि पब्लिक क्लास मुझे इंट्रो लिखना पड़ेगा। अब आपको क्लास क्या लिखा हुआ नहीं समझ में आएगा, पब्लिक क्या लिखा हुआ मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूँ समझाने का। पब्लिक मतलब होता है कि आप जो प्रोग्राम लिख रहे हो ना, पब्लिक लिखने से क्या होता है कि इसको कोई भी और एक्सेस कर सकता है। कोई भी और एक्सेस करने का मतलब होता है कि अगर मैं सपोज मान लो जैसे दूसरा प्रोग्राम यहाँ पर लिखना चालू कर दूं, ओके इसको मैं काम करता हूँ क्लोज करता हूँ। अगर मान लो मैं जैसे नया क्लास बनाऊ, ठीक है, इंट्रो टू नाम से, तो कुछ तरीके होते हैं जिनसे मैं इस प्रोग्राम में जो भी लिखूंगा, है ना, इस प्रोग्राम में जो भी लिखा हुआ रहेगा वो इंट्रो वन से मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ, सॉरी मतलब उसको मैं इनहेरिट कर सकता हूँ, कि उस इंट्रो वन के कंटेंट को मैं एक्सेस कर सकता हूँ। कुछ तरीके होते हैं, वो तरीके मैं फिलहाल नहीं बता रहा, ठीक है। फिलहाल मेरा मोटिव ये है कि भाई देखो स्टेटमेंट कैसे यूज होती है, रिटर्न स्टेटमेंट एंड मेन का काम क्या होता है, ठीक है। तो पब्लिक क्लास इंट्रो, उसके बाद आपको सिंटैक्स में ये ब्रैकेट्स लगाने पड़ते हैं, प्योर सिंटैक्स है, प्लीज आप इसको याद कर लो। ओके, बताया जाएगा, हम फिलहाल के लिए देख लो। सो उसके बाद पब्लिक क्लास इंट्रो, उसके बाद आपको लिखना पड़ता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, उसके बाद स्ट्रिंग आर्ग्स, उसके बाद ऐसा। फिर देखो, अब ये स्टैटिक वॉइड मेन क्या लिखा होगा नहीं समझ में आ रहा होगा, यू नो। देखो मेन क्या होता है, मैंने वीडियो में समझाया था कि मेन का मतलब होता है एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। यहां से आपका ये वो पॉइंट है जहां पे आपका प्रोग्राम
एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। एक और चीज बताऊं, जावा में ना कोई कंसेप्ट नहीं होता कि हैश डिफाइन या हैश इंक्लूड का, कोई कंसेप्ट नहीं होता। ओके, वो सी और सी प्लस प्लस में होता है, ठीक है। इसमें ना क्या होता है कि आपको पैकेज इंपोर्ट करने पड़ते हैं, पूरा पैकेज उठा के इंपोर्ट कर लो या फिर पूरी क्लास इंपोर्ट कर लो, वैसे होता है, ठीक है ना। तो देखो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, उसके बाद आपको लिखना पड़ता है स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ओके system dot in, ठीक है। अब देखो, अच्छा एरर है, सिस्टम को मैंने स्पेलिंग में चेक कर दिया, ठीक है। तो चलो देखो, सिस्टम डॉट इन ये हो गया हमारे पास। अब इसके बाद मैं आपको एक छोटा सा कुछ भी बेसिक सा प्रोग्राम लिख के दिखा देता हूँ। सपोज मान लो, देखो ये स्कैनर ऐसी वाली भी लाइन आपको नहीं समझनी है फिलहाल के लिए, आप इतना समझ लो ये सब ना लिखने के लिए जरूरी है, कुछ चीजें याद कर लो। कुछ चीजें होती है कि मतलब पहले लर्न कर लो उसको, उसके बाद समझना थोड़ा आसान रहेगा, है ना। तो इंट मान लो मैं जैसे लेता हूँ ए, ठीक है ना, इंट ए इज इक्वल टू, मैं ले ले रहा हूँ 3, ठीक है। सपोज इंट इक्वल टू 3 ले लिया, मैं क्या ले रहा हूँ, बी इक्वल टू 4 ले लूंगा। हाँ, अब ये इंट क्यों लिखा वहां पे मैंने, इंटीजर है ना, तो डेसिमल होता तो मैं क्या लिखता, मैं कुछ और लिखता, डबल लिखता है, फ्लोट लिखता, वो मैं अभी नहीं बता रहा फिलहाल के लिए। समझ लो इंट रिप्रेजेंट्स ये ए और बी इंटीजर है ना, बेसिकली ए और बी वेरिएबल्स हैं जो कि इंटीजर वैल्यू को होल्ड कर रहे हैं। अब आप पूछोगे फ्रैक्शनल वैल्यू को होल्ड करते तो क्या करते, वहां पे कुछ और लिखा जाता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दिया है मैंने, ओके। सो देखो फिलहाल के लिए समझो, बस खाली आपको ये इंट वगैरह भी ध्यान नहीं देना, ठीक है ना। खाली ये देखो कि ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 4 है, जैसे मैथ्स में होता है ना कि ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 4 है, मैं क्या कर रहा हूँ, चुपचाप मैं एक और वेरिएबल ले ले रहा हूँ सी, ठीक है ना, मैं कॉमा सी ले ले रहा हूँ। अब मैं करूंगा सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, प्रोग्राम आई थिंक मैंने सी में भी सेम टू सेम प्रोग्राम किया, बट मैं एक चीज आपको इसमें एक्स्ट्रा सिखाऊंगा, है ना। देखो सो चलो ये तो हो गया हमारा, मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिखना होता है, ये वो लाइन है जिससे आपका प्रिंट हो जाएगा, ओके। द सम ऑफ ए एंड बी इज कुछ इस तरीके से आप लोगों को लिखना पड़ेगा सी, ठीक है। चलो एक बार देखते हैं हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है नहीं, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा इसमें कमेंट क्या होता है, रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है, एक बार चेक कर लेते हैं ना। देखो मैंने ध्यान देना, मैंने नीचे में रिटर्न वगैरह कुछ नहीं लिखा है, ओके, टाइपिंग एरर, कंपाइल हो गया, क्लास कंपाइल, नो सिंटैक्स एरर नीचे दिख रहा होगा, है ना। क्लोज कर दो इसको, कंपाइल करते हैं इसको। चलो देखो द सम ऑफ ए एंड बी इज 7, है ना। चलो अब देखते हैं इसमें हम लोग समझते हैं थोड़ा बहुत। और अगर मैं कमेंट्स बताना चाहूं कि भाई देखो कमेंट क्या होता है, आपने अगर ध्यान दिया होगा तो फिर मैंने रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखा है ना। होता क्या है कि लिखना एक अच्छी प्रैक्टिस है, बट अगर कहीं कहीं देखो ये बेसिक सा प्रोग्राम है, कोई भी यूजर जो होगा ना, अगर वो कोई भी बिगिनर जो होगा ना, वो ही विल टेंड टू फॉरगेट दिस थिंग्स, ओके। सो ऐसा होता है कि जावा के डेवलपर्स ने ऐसा कर दिया है कि भाई ये जो आईडी रहेगी ना, इसमें तुम रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखोगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के लिए, तो फिर वो मतलब खुद से लिख देगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर लेगा, वो समझ जाएगा, समझ में आया। बट क्या हर जगह अगर नहीं लिखेंगे तो चलेगा? बिल्कुल भी नहीं चलेगा, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। चलो फिलहाल के लिए एक बार लिख के लिए कमेंट समझ लेते हैं कि कमेंट्स होता क्या है, ठीक है ना इसमें। सो देखो कमेंट वो लाइन होती है जैसे कि जब आप चाहोगे कि यूजर जो जब आप चाहोगे कि आपका प्रोग्राम वो रीड ना करे, कहने का मतलब कि मान लो ये सी इक्वल टू ए प्लस बी नहीं समझ में आया आपके कलीग को, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप लिख दे रहे हो कि एडिंग द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, है ना, ए एंड बी। तो अब इससे फायदा क्या होगा, देखो ये तो मैंने यहाँ पर कुछ भी लिख दिया, ये तो मैंने यहाँ पर कुछ भी लिख दिया ऐसे दो स्लैश देके, देखो को होता क्या है, हिसाब से अगर मैं ऐसे ना लिखूं, दो स्लैश नहीं देखे, ऐसे कुछ भी लिख दूं, चलो यही वाला लिखता हूँ, एडिंग टू एडिंग द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, तो क्या हमारा कंपाइलर, मान लो ये मैसेज है जो मैं अपने कलीग को बताना चाहता हूँ कि सुन ये मैं ये वाला काम कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, एक बार के लिए इसको ओमिट कर दो, कंट्रोल एक्स, एक बार के लिए इसको काटते हैं, समझ में आया। देखो ये हमारा ना एरर दे रहा है, कैसे पता, देखो ये एरर दे दिया, एडिंग द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, बोल रहा एरर फाउंड इन क्लास, कंट्रोल ए करोगे कंट्रोल के करोगे तो आपको एरर बताते जाएगा। बेसिकली ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि कंपाइलर को ना समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये आपके प्रोग्राम को समझ में नहीं आ रहा आपका कंट्रोल को, कि ये तुम एडिंग द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी क्यों लिखे हो,
देखो कई बार ये होता है ना कि आप अपने समझने के लिए बुक में कोई डायग्राम में बगल में समझा के लिख लेते हो, है ना, कि भाई देखो ये काम कर रहा है ना। तो वही समझाने के, अगर आपको समझाना है अपने कलीग को या फिर आप चाहते हो कि मैं खुद भी याद रख सकूं, उठा के इसको कमेंट्स में डाल दो ऐसा करके, समझ में आया, आप इसको ऐसे कमेंट में डाल सकते हो। अब देखो अब इसको कंपाइलर को, अब इसको अगर हम लोग कंपाइल करेंगे ना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत आराम से कंपाइल हो जाएगा ये, समझ में आया। इवन अगर आप इसको रन करोगे तो सेम आउटपुट आएगा, ठीक है। ये तो एक बहुत बेसिक सा काम हो गया है ना। कमेंट का क्या बस इतना ही काम होता है? नो, कमेंट का काम इतना ही नहीं होता। ये तो अच्छा हाँ, ये जो कैटेगरी है दो फ्रंट स्लैश मैंने डाला है, इसको कहते हैं सिंगल लाइन कमेंट। जब आपको छोटा छोटा मैसेज डिस्प्ले करना होता है, समझ में आया, छोटा छोटा मैसेज डिस्प्ले करना होगा। अगर आपको कोई बड़ा सा मैसेज डिस्प्ले करना है तो क्या करोगे? मान लो जैसे आपको एक बात तो समझ में आ गया होगा, अगर आप दो फ्रंट स्लैश डाल के कुछ भी लिख दो, लिटरली कुछ भी लिख दो, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कुछ भी यूज नहीं करेगा, कुछ भी रीड नहीं करेगा। आप यहाँ पे जो मन में है वो लिख दो, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कमेंट्स, ऐसा मैं अगर लिख दूं तो ये भी रीड नहीं करेगा ऑब्वियसली, देखो मस्त आराम से कंपाइल हो जाएगा, है कि नहीं। बट अगर मेरे को बहुत बड़ी चीज दिखाना है, एंड आई विल बी एक्सप्लेनिंग एक्सप्लेनिंग रिटर्न स्टेटमेंट, ओके टाइपिंग मिस्टेक वो छोड़ दो, सॉरी मतलब स्पेलिंग मिस्टेक है, रिटर्न स्टेटमेंट। अगर मैं ऐसे कुछ भी लिख दूं, मेरे को मान लो चार पांच लाइन का मैसेज लिखना है, तो मैं क्या हर बार बैक स्लैश यूज करूंगा, सॉरी फ्रंट स्लैश यूज करूंगा? डजंट मेक सेंस, यू नो सेंस ही नहीं बनता। क्योंकि देखो यार, अगर आप मतलब क्या बार बार फ्रंट स्लैश करोगे, यूज जब कर रहे हो कंप्यूटर, तो फिर जावा के डेवलपर्स ने क्या किया कि अगर वो तीन चार लाइन का मैसेज प्रिंट कर रहे हैं ना, तो ऐसा करो, बताओ क्या आप ना ये सब इतना मत लिखो, हर बार मत लिखो, आप एक काम करो कि ऊपर में जाओ एक ऐसा स्लैश दो, फिर मल्टीप्लाई का सिंबल, मतलब वो स्टार वाला सिंबल, फिर वापस से एक और ऐसा स्लैश दो, मल्टीप्लाई वाला सिंबल, एंड क्या करो, ये जो भी मैसेज है आपको जो भी डिस्प्ले करना है इसको लिख दो ऊपर में, इनके बीच में, मतलब समझ में आया। अभी मल्टीलाइन कमेंट हो गया, इसको कहते हैं मल्टीलाइन कमेंट। मल्टीलाइन कमेंट का मतलब होता है स्लैश, उसके बाद स्टार, फिर मतलब आपको जो भी मैसेज है ना, और उसके बाद इसको एंड करते समय ये स्टार और स्लैश लगाना पड़ेगा आपको, समझ में आया। ये होता है हमारा मल्टीलाइन कमेंट, ठीक है। एक और चीज देखो, इससे फायदा ये होगा ना कि अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूं, ये जनरली मल्टीलाइन कमेंट यूज कहाँ होता है पता है? इसको ना एकदम प्रोग्राम के ऊपर में लिखा जाता है कि आपका प्रोग्राम का मोटो क्या है, मतलब आप प्रोग्राम में करना क्या चाहते हो ना, जनरली वो यहाँ पर लिख दिया जाता है, समझ में आया। फिर प्रोग्राम का क्वेश्चन लिख दिया जाता है, ये इसका यूज आता है, ठीक है ना। एंड आई विल बी एक्सप्लेनिंग रिटर्न स्टेटमेंट, ओके आई विल ऑल्सो ट्राई टू एक्सप्लेन, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन मेन फंक्शन, है ना। चलो तो ये सब कुछ भी नहीं होगा, इससे क्या होता है कि आपको ब्रीफ आइडिया मिल गया कि इस प्रोग्राम में होने क्या वाला है, समझ में आया। बस यही काम होता है, समझ में आया, ठीक है। देख लो कंपाइल हो जाएगा बहुत आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, समझ में आया, ठीक है। सो ये होता है हमारा कमेंट्स का काम, ये तो हो गया हमारे कमेंट का काम। एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहता था वो है रिटर्न स्टेटमेंट। अच्छा एक और जस्ट मिनट कर सकता, चला गया, हाँ ये रहा। सो देखो मैं बता रहा था ना कि इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर लिखने से काम, एक काम करते हैं इसी को कमेंट कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। क्लास कंपाइल होगा, देखते हैं। देखो यहाँ पे एरर आ गया, बोल रहे यार ये स्कैनर जो तुमने लिखा है ना ये क्या है, ये स्कैनर वगैरह क्या है, स्कैनर क्या है, ये स्कैनर से काम क्या हो रहा है, तुम क्या कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा, समझ में आया। एंड स्कैनर क्या होता है ना, ये वो बुक है जिसको पढ़ के एग्जाम देना होता है, समझ में आया। सपोज मान लो ओपन बुक एग्जामिनेशन हो रहा है, तो स्कैनर वो बुक है जिसको आपको पढ़ के एग्जाम देना होगा, समझ में आया, ठीक है। तो इस प्रोग्राम के लिए आपने वो बुक रखी नहीं, तो समझेगा कैसे कि यार ये कर क्या रहे हो, ये जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं ना यहाँ पे, इनपुट लेना, ये जो मतलब देखो मैंने नीचे में आउटपुट डिस्प्ले किया ना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, इस वाली लाइन में जिसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, है ना। तो नहीं समझ में आ रहा है, स्कैनर वो बुक है जिसमें समझाया हुआ है प्रोग्राम को कि भाई सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन जब भी लिखा रहे और उसके अंदर जो भी लिखा रहे वो तुमको प्रिंट करना होता है। आई थिंक अब स्कैनर का मतलब समझ में आ गया होगा, है ना। स्कैनर वो बुक है, समझ में आया कि भाई देखो अगर आपको इनपुट लेना है, इनपुट कैसे लेता है फिलहाल के लिए मैं नहीं बता रहा है, हाँ मैं बस खाली एक एग्जांपल दिखा दिया कि स्कैनर काम क्या करता है, समझ में आया कि भाई वो बुक है जो हमें हेल्प करता है प्रिंट करने में, एंड जिसमें लिखा हुआ है कि देखो प्रिंट एलएन का काम क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन का काम क्या है। अभी आपको शायद ये भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि यार ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्यों लिखा हुआ है ना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन जान लो बस प्रिंट करने के लिए काम आता है, ठीक है। तो चलो ये तो हमारा था भाई कमेंट का काम, है ना। चलो एक बार थोड़ा सा रिटर्न स्टेटमेंट डालते हैं। रिटर्न मैंने समझा था कि भाई रिटर्न जीरो जनरली लिख दिया जाता है, गलत हो जाएगा। चलो देखते हैं कंपाइल करके क्यों गलत हो गया पता है। देखो मेन क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। तो यार जब आपका प्रोग्राम मतलब समझ लो आपकी घर से निकल रहे हो स्कूल जाने के लिए, तो स्कूल से घर वापस भी तो आओगे, तो स्कूल से निकल रहे हो ना, सॉरी
घर से निकल रहे हो तो इसका घर है मेन, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो आपका कंट्रोल है, जो आपका कंट्रोल मतलब स्टार्ट होगा, कंट्रोल जहां से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा वो होगा मेन मेन के जस्ट नीचे वाली लाइन से, समझ में आया है ना? ठीक है, सो अब इसको वापस भी तो आना है, जब ये इसने अपना काम खत्म कर लिया, ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन खत्म हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं लिखना है, तो इसको वापस भी तो आना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं रिटर्न स्टेटमेंट। अब ये रिटर्न कब लिखते हैं और ये रिटर्न जीरो कब लिखते हैं? रिटर्न तब लिखा जाएगा जब आप यहाँ पे वॉइड लिख रहे हो, है ना? याद कर लो कि वॉइड लिखना नेसेसरी होता है। हाँ, आप यहाँ पे इंट भी लिख सकते हो, बट नॉट इन दिस पर्टिकुलर केस। मैं अभी दिखाऊंगा कि इंट कैसे लिखते हैं, समझ में आया? रिटर्न क्या करता है कि आपको बेसिकली बुला लेता है, आपका जो कंट्रोल है ना उसको बोल देता है कि अब तेरा काम खत्म हो गया, तू वापस आ जा। इनफैक्ट अगर मैं इसके नीचे कुछ भी लिख दूं ना, चलो मैं यही चीज वापस से लिख दे रहा हूँ, एंड मैं आपको कंपाइल करके अभी दिखाऊंगा, ठीक है? इसके मैं नीचे मैं वापस से लिख दे रहा हूँ, तो हिसाब से सीख की दो बार वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। देखते हैं क्या होता है। देखो ये एरर दे दे रहा है, एरर दे रहा है, कह रहा है प्रेस कंट्रोल के। चलो मैं कंट्रोल के दबा रहा हूँ, फिलहाल तो ये मुझे कुछ वैसा दिखा नहीं रहा। बस इसका मतलब होता है कि देखो आप रिटर्न स्टेटमेंट के नीचे कुछ नहीं लिख सकते, समझ में आया? मैं चाहूँ तो सी ये काम करो, खाली हटा ही दो, इसको लिख दो टर्मिनेटेड, प्रोग्राम टर्मिनेटेड, प्रोग्राम टर्मिनेटेड। देखते हैं क्या प्रिंट होता है, क्या वापस से वही कंपाइल एरर दे देगा, समझ में आया? एरर फाउंड इन क्लास कंट्रोल के करते हैं। देखो अनरीचेबल, हाँ देखो अनरीचेबल स्टेटमेंट है ना, अनरीचेबल क्यों लिखा पता है? क्योंकि रिटर्न के नीचे आप लिख रहे हो ना, कंट्रोल आपका जा चुका है, कंट्रोल आपका काम खत्म करके जा चुका है, तो उसके नीचे कुछ भी लिखोगे तो वो कैसे एक्सेस करेगा, समझ में आया ये वाला बात? ठीक है, सो इसलिए हम लोग रिटर्न स्टेटमेंट लिखना गुड प्रैक्टिस है कि भाई अगर देखो क्यों लिख, अभी तो नहीं लिखा था तो फिर प्रोग्राम वापस कैसे चला गया? ऐसा होता है ना यार, जो बिगिनर्स होते हैं वो ये सब छोटी मोटी गलतियां, दे टेंड टू मेक दीज मिस्टेक्स। तो क्या होता है कि ये सब ना इंक्लूड ऑलरेडी कर दिया रहता है, इंक्लूड एज इन के मतलब अगर आप नहीं भी लिखोगे तो ये प्रोग्राम खुद से इंक्लूड कर लेगा, कंपाइलर खुद ब खुद बोलेगा कि अच्छा एक काम कर मैं कर दे रहा हूँ तेरे लिए, समझ में? बेटर तरीके से इसको समझते हैं रिटर्न स्टेटमेंट का काम, ठीक है? चलो सो ये तो हमारा था, मैं काम करता हूँ मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टैटिक इंट। अभी आपको स्टैटिक का भी मतलब नहीं समझ में आएगा, इट इज वेरी ओके। स्टैटिक इंट देखो मैं रिटर्न स्टेटमेंट समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये जो जो अभी कोड लिखूंगा, इट इज वेरी ओके कि अगर आपको ना समझ में आए, इट ओके। सो स्टैटिक इंट लेट्स से एडिंग करते हैं, एक सिंपल सा एड करते हैं, और ये इंट दो वैल्यूज लेगा, इंट ए कॉमा इंट बी, ठीक है? एंड ये क्या करेगा, सेम काम यही करेगा, बस ये एड वाला काम ना मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है? एड वाला काम मैं कर दूंगा, सी इंट सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। देखो यहां पे अगर मैं रिटर्न नहीं करवाऊँ ना काम गड़बड़ हो जाएगा, दिखाता हूँ कैसे। एक काम करते हैं, इसको इस पार्ट पर्टिकुलर पार्ट को कमेंट आउट करते हैं, मैं करूंगा कुछ इस तरीके से, 3,4 यहाँ पर वही 3, चलो 30,40 डाल देते हैं, 30,40 है ना, और मेरा फंक्शन का नाम क्या है, एडिंग, ओके एडिंग। चलो देखते हैं अब क्या होगा। देखो सी, अच्छा सी तो मैंने डिक्लेयर नहीं किया ना इंट, इसलिए आ रहा है, ठीक है, इट्स ओके। तो देखो चलो अब एक बार कंपाइल करके देखते हैं क्या गलती आएगा। यहाँ पे दिख रहे होगा आप लोग कि भाई एरर दे दे रहा है, ये क्या एरर एरर आ रहा है, एरर फाउंड इन क्लास प्रेस कंट्रोल के। तो चलो मैं एक बार कंट्रोल के दबा के दिखाई देता हूँ, लिखा रहा है मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट। ये आपको दिखा, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको हर जगह रिटर्न स्टेटमेंट छोड़ दोगे तो फिर आपके लिए कंपाइलर या जो भी आपका प्रोग्राम का कंट्रोल है वो खुद ब खुद डाल देगा आपके लिए रिटर्न स्टेटमेंट। नो इट इज नॉट एट ऑल, आपको जहां जरूरत है वो कुछ कुछ जगह डाल सकता है बट हर जगह नहीं डाल सकता, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा रिटर्न। एंड डू यू थिंक दैट राइटिंग रिटर्न विल सफाइस? नो इट इज नॉट, जैसे कि स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। हाँ अगर मैं सिर्फ रिटर्न भी लिख दूँ ना तो ये काम नहीं कर पाएगा, देखता हूँ कैसे। चलो देखते हैं कंपाइल करके, है ना? वाओ फिर से एरर आ गया, समझ में आ रहा है? अब यार रिटर्न तो मैंने लिख दिया, अब मैं क्या करूं, अभी भी आपको कुछ करना है। पता है क्या लिख रहा है, इनकम्पैटिबल टाइप्स मिसिंग रिटर्न वैल्यू। यहां पे आपने क्या लिखा है, इंट। इसका मतलब क्या होता है पता है? देखो जब आप अपने प्रोग्राम को कुछ काम करने भेजते हो, आप जब घर से सामान लेने निकल रहे हो तो आप कुछ सामान लेकर के वापस आओगे ना, बट कई बार ये ऐसा होता है कि ये सपोज आप रिचार्ज कराने गए तो आप कुछ लेकर के वापस नहीं आते, आप अपने फोन का रिचार्ज कराने चले गए, मान लो पुराने जमाने के हो, थोड़ा आप पेटीएम वगैरह यूज नहीं कर रहे हो, आप रिचार्ज कराने चले गए है ना, तो आप कुछ लेकर वापस नहीं आते हो, समझ में आया? रिचार्ज करने या फिर किसी को पैसे देने थे तो फिर आपने पैसे दिए वापस आ गए, आप रिटर्न कुछ लेकर थोड़ी ना आ रहे हो, समझ में आया? तो ऐसा केसेस जब आपका प्रोग्राम कुछ लेकर रिटर्न नहीं कर रहा हो उसको हम लोग कहते हैं वॉइड, समझ में आया? और डीपली इसको समझेंगे, डोंट वरी। और ऐसा केसेस जब आपको कोई प्रोग्राम की वैल्यू रिटर्न करनी हो, मतलब कि सपोज कि आप सामान लेने गए, मैगी लेने गए, समझ में आया, तो
तो मैगी लेकर रिटर्न तो करोगे, मैगी हाथ में तो रहेगी, है ना। तो जब आप चाहते हो कि मेरा प्रोग्राम एक वैल्यू लेके रिटर्न करे, जैसे मैं क्या चाहता हूँ इसमें पता है, मैं चाहता हूँ यार मेरा प्रोग्राम ना ये सी वाली वैल्यू लेके रिटर्न करे, समझ में। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा रिटर्न सी, इसका मतलब होता है रिटर्न विथ द वैल्यू सी, समझ में। ये आपका एक फंक्शन है जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है, एडिंग। ये क्या करेगा कि ए और बी की वैल्यू ऐड करेगा, एंड जो भी वैल्यू आएगा ना उसको सी में स्टोर कर देगा। एंड जब ये प्रोग्राम वापस जा रहा होगा, है ना, देखो ये एक पर्टिकुलर फंक्शन है, ये यहां से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट किया इंट वाली लाइन से, एंड जैसे ही स्टार्ट, एंड इसको मतलब इसको काम पे किसने लगाया, एडिंग वाले ने, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि एडिंग वाले ने इसको काम पे कैसे लगाया, इट इज वेरी ओके। बस समझो कि एक छोटा सा मैंने प्रोग्राम यहाँ पर लिखा है, अब ये भी तो रिटर्न होगा, ये फंक्शन है ना, ये भी तो रिटर्न करेगा, अपने घर वापस जाएगा ना, इसका घर कहाँ है, एडिंग में, ठीक है। तो जब ये लौट रहा होगा ना तो इसको सी के वैल्यू के संग रिटर्न करना होगा, समझ में आया। क्यों सी के वैल्यू के संग रिटर्न करना होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको स्पेसिफाई कर दिया, क्या है, स्पेसिफाई कर दिया कि भाई तू रिटर्न करेगा ना तो इंटीजर वैल्यू के संग रिटर्न करना है तेरे को, समझ में आया। इसलिए मैंने लिखा है रिटर्न सी। आई थिंक रिटर्न स्टेटमेंट का अब ये प्रोग्राम आपको क्लियर हो गया होगा। वन थिंग मोर आई वुड लाइक टू से दैट, कि अगर आप जावा सीख रहे हो, सेम प्रोग्राम ना विद अ डिफरेंट एग्जांपल मैंने सी में सिखाया है, और बेटर तरीके से, बेटर तरीके से एज एन, कि मतलब उसमें कुछ और एग्जांपल्स नहीं है, आप चाहो तो उसको जरूर रेफर करना। हाँ सिंटैक्स अलग होता है यार, बस बाकी का लॉजिक सेम होता है, ठीक है। सो देखो ये क्लास हो गया कंपाइल, अब चलो एक काम करते हैं इसको प्रिंट करते हैं, ठीक है। ये था हमारा देखो रिटर्न और मेन का काम। क्यों नहीं आ रहा, देखो द सम ऑफ ए एंड बी इज 70, समझ में आया। सिर्फ इतना समझो इस प्रोग्राम से कि भाई रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है, समझ में आया। रिटर्न मेन क्या होता है, मेन होता है आपका एडिंग पॉइंट। आपको क्लास नहीं समझ में आया होगा, आपको स्कैनर नहीं समझ में आया होगा, इट इज वेरी ओके। समझ लो कि थोड़ा अगर जावा डॉट यूटिल एक पैकेज होता है जिसके अंदर होता है क्लास स्कैनर, नहीं भी समझ में आ रहा, इट इज ओके। बस समझ लो कि एक मैंडेटरी लाइन है जो कुछ लिखना पड़ेगा, है ना। सो दिस वॉज द थिंग फॉर रिटर्न, एंड आई थिंक मैंने कवर कर दिया कि ये मतलब सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट क्या होते हैं, उनका यूज मैंने बता दिया, रिटर्न का यूज देख लिया। एक और चलो एक रिटर्न को और वेरिएशन देख लें। व्हाट इफ आई वुड हैव रिटन वॉइड, एंड लाइक अगर मैं यहाँ पे कुछ मैं नहीं चाह रहा कि मेरा प्रोग्राम कुछ लेके रिटर्न करे, सो आई एम जस्ट प्रिंटिंग समथिंग, है ना। आई एम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, ये भी एक होता है कि आपका प्रोग्राम रिटर्न कब नहीं कर, मतलब रिटर्न तो करेगा बट बिना किसी वैल्यू के से, हे देयर हाउ आर यू, ऐसा, चलो ठीक है ना। या फिर अगर कुछ अच्छा मैसेज लिख देना है, इफ यू वॉन्ट टू टाइप समथिंग लाइक कुछ भी लिख दे यार, ये ना कुछ भी प्रिंट कर देगा। पहले तो मुझे ये स्टेटमेंट कमेंट आउट करनी पड़ेगी, है ना, चलो देखते हैं। अच्छा मैंने एडिंग को कॉल नहीं किया है, एंड चलो एक काम करते हैं यही रखते हैं, एडिंग 30,40, बस हाउ आर यू, मैं यहीं पर प्रिंट कर दे रहा हूँ एक और लाइन इसी के संग। मैं चाहूँ ना तो इसी प्रोग्राम के अंदर भी प्रिंट कर सकता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, या फिर छोड़ो यार इसको, मैं आपको वॉइड समझा रहा हूँ ना, छोड़ो इसको, ये कोई वैल्यूज एक्सेप्ट नहीं कर रहा, इसको हटाई दो, सबसे अच्छा बात, ठीक है, इसको बस खाली ऐसे हटा दो आराम से, ठीक है ना। देखो ये एक ऐसा केस है जब आपके प्रोग्राम, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप जाके वहां पे प्रिंट कर रहे हो, आपका काम क्या है, प्रिंट करना है, मतलब मैंने जो एग्जांपल लिया है इस पर्टिकुलर फंक्शन में ना, क्या काम है इसका, बस खाली प्रिंट करना है, और तो इसे कुछ काम ही नहीं है, है ना। तो क्या आपको लगता है कि इसको कोई वैल्यू के संग रिटर्न कराना चाहिए, मेरा काम क्या था, बस प्रिंट करके आउटपुट डिस्प्ले करना, तो मैं यहीं पे प्रिंट कर देता हूँ, समझ में आया। देखो यहां पर भी कोई मतलब कोई एरर नहीं आएगा, बट हिसाब से ना मेरे को यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट लिखनी चाहिए थी, समझ में आया, ठीक है। इट इज अ गुड प्रैक्टिस कि आपको जहां रिटर्न स्टेटमेंट लिखना है जरूर लिखो, वरना आदत पड़ जाएगी तो फिर कई बार समझ में मतलब समझने में आएगा नहीं कि यार ये क्या हो रहा है। अगर मैं मान लो यहाँ पर int c इक्वल टू ए प्लस बी भी अगर मैं कर दूं, है ना, ओके मेरा बैटरी डाउन हो गया लैपटॉप का, ओके चलो एडिंग 30,40 डाल देते हैं, ओके 30,40, चलो देखते हैं। मैं नहीं कर रहा कि भाई ये कोई वैल्यू के संग रिटर्न करेगा, बस मैं इसे ऐसे कंपाइल कर दे रहा हूँ, ओके। देखो क्लास हो गया सिंटैक्स, अगर मैं रिटर्न स्टेटमेंट हटा दूं देखते हैं क्या होता है ना, कुछ नहीं हो रहा। ऐसा मत समझना कि वॉइड जब जब लिख देंगे तो फिर रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखना पड़ेगा, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है ना। जस्ट यहाँ पे हो जा रहा है, कहीं कहीं केसेस में हो जाता है, कहीं कहीं नहीं होता, बट इट इज अ गुड प्रैक्टिस कि आप उसको मतलब रिटर्न करवा दो, समझ में आया। इसको क्लास को कंपाइल कर लेते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। ओके
देखो प्रिंट होगा हाय हे देयर हाउ आर यू, समझ में आया। सो दिस इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। आपको मेरा मेन 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 मोटो था कि भाई देखो मेन स्टेटमेंट का क्या काम होता है, रिटर्न स्टेटमेंट कैसे फंक्शन करती हैं। ट्राई टू मेक अ हैबिट कि आप रिटर्न जीरो या रिटर्न हमेशा इंक्लूड करो अपने प्रोग्राम में, वरना आदत पड़ जाएगी तो आदत खराब हो जाती है। सो दिस इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू।